याठिकाणी उपस्थित सर्व भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी त्याचप्रमाणे विभागातील सर्व युवक या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत हजारों पुराने साल की संस्कृति धर्म सनातन धर्म से जुड़ है और हमारे आने वाली पीढ़ियों में भारत अग्रणीय इसलिए ही था कि हमारी हजारों साल की पुरानी संस्कृति धर्म और सनातन धर्म की ये जीत होके आने वाली पीढ़ी भी ये नहीं समझेगी कि भारत आगे जाएगा, वो भी हमारे विचारों के साथ, धर्मों के आरक्षण के साथ। और मुझे इसके लिए अच्छा लगता है कि ये आज अपने मैं खुद जिंदा हूँ ये देखने के लिए। और हम सब इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं, आज मेरे पिताजी नहीं हैं लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि उस रूप से राम मंदिर का निर्माण है। तो पूनम ताई भी पहुंचेंगी वहां पर दर्शन करने के लिए अयोध्या राम मंदिर? हाँ, सब पहुंचेंगे, ये भी सब आएंगे, इनको ले जाएंगे। Yes!
सुब्रांशु जी हर वक्त बहुत अच्छा काम करते हैं और वो जनता के दिल तक पहुंचाते हैं, तो ये अच्छा सामाजिक कार्य हर वक्त करना चाहिए और मैं खुश हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। कांग्रेस की इस निर्णय की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और मैं यही कहूँगा जो न हमारे राम का वो न हमारे। तो आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि 14 जनवरी से लेकर और 22 जनवरी तक इस तरह के आयोजन होने चाहिए, और आज के इस आयोजन को अगर इस तरह देखते हैं उसी कड़ी में? पूरे मुंबई शहर राममय हुआ है, अनेक जगह पर राम कथा, भागवत कथा, सुंदर कांड का पाठन, कहीं हनुमान चालीसा का पठन हो रहा है, सभी उत्साहित है, हर हिंदू के लिए हर्ष का विषय है। 22 तारीख पूरे देश में दिवाली के रूप मनाने के लिए हम सब तैयार हैं और 22 तारीख की हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर क्या लगता है, न्याय यात्रा भी कांग्रेस ने निकाल दी है, न्याय यात्रा से जुड़ी क्या लग रहा है कि इस न्याय की मांग कब होगी? जिस कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न किया, जिसने बार बार राम को नकारा, वह कोई भी यात्रा कर ले वह इस देश को समझ नहीं पाए हैं। कांग्रेस की स्थापना में गांधी जी ने राम राज्य की बात की थी, उन्होंने गांधी जी को भी नकारा है, और वक्त है कि 2024 में देश की जनता एक बार फिर से उनको नकारेगी और मोदी जी को 400 से अधिक सीटों से बहुमत देकर फिर से सत्ता पर स्थापित करेगी। भारत माता की जी। तो जिस तरह से अगर देखा जाए योगी जी और मोदी जी यूपी में अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहे हैं, किस तरह आप देखते हैं इस घटना में भारत? देखिए हम लोग धन्य हैं कि भगवान राम जी का जो हम लोग सुनते थे, काल्पनिक तो भगवान लोग बोलते थे, ये कांग्रेस वाले बात लोग बात करते थे भगवान राम कौन है, काल्पनिक है, तो हम लोग एक हिंदू धर्म है, मनुष्य का धर्म, हम लोग ध्यान मिलते हैं कि हम लोग के सामने भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है, और आने वाले समय आप देखें 22 तारीख को जो पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में अब एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा राम जी का मंदिर बन रहा है, तो बहुत खुशी की बात है, सब लोग एक जाके भगवान जी राम जी का दर्शन लीजिए रामलला का। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजन करने का जिस तरह से मोदी जी ने आग्रह भी किया था, आज पहला दिन और मकर संक्रांति में किस तरह से इस आयोजन को आयोजित करने का फैसला किया? देखिए आज हम लोग यहाँ अपना एक प्रोग्राम रखे, पूनम ताई आए थे, संजय उपाध्याय जी आए थे, 1000 राम जी का हम लोग राम दरबार का प्रतिमा घर घर पर जाके देंगे, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए। देखिए मकर संक्रांति के दिन है, एक अच्छा सा वातावरण, मुझे लगता है जो 22 तारीख का प्रोग्राम है आज 14 तारीख आज से ही माहौल बनना यहाँ चालू हो गया पूरे बम्बई में पूरे देश में, तो सब लोग जाके भगवान राम जी का दर्शन लीजिए, और हम लोग छोटा सा प्रयास करें हर घर पर जाके 1008 राम जी का दरबार जी का मूर्ति शेयर करेंगे। जय अभी आज।